मैं डॉक्टर संजय, YouTube के माध्यम से क्वेश्चन आया सर, जात्यादि तेल का प्रयोग हम कैसे करें? आप बताते हैं कि पाइल्स और फिशर के में जात्यादि तेल का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन सर हम लोग जब जात्यादि तेल लाते हैं तो उसके साथ कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती जिससे उसको मलद्वार में डाल पाए, तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं जो जात्यादि तेल होता है उसके साथ ये रबर कैथेटर विद सिरिंज के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं और ये ऑनलाइन उपलब्ध भी मिल जाता है। इस तरह के कैथेटर आपको मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं अगर अलग आप लेते हैं तो। आपको कैसे प्रयोग करना है जात्यादि तेल को, आपको ऐसे अंदर पुश करना है, मतलब इसमें भरना है, फिर मलद्वार में ऐसे रखना है और ऐसे दबा देना है। इससे क्या होगा, हमारी जो गुदा मार्ग होती है, जो कैनाल होती है, वो ऑयल से क्या हो जाएगी, स्लिपी हो जाएगी और जो मल का पहला हिस्सा होता है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये और ये कब करना होता है, मल त्याग के पहले। तो एक डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसका पूरा आपको दिखा, मतलब एक वीडियो भेज दूंगा, मतलब डाल दूंगा, आप एक बार देखेगा कि इस प्रयोग से जात्यादि तेल के प्रयोग कैसे करना चाहिए और इसका क्या क्या फायदे होते हैं। और एक लिंक मैं आपको ये भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा कि ये ऑनलाइन कैसे आपको सबसे सस्ते में, अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये चूंकि हम लोग जो यूज करते हैं वो 100 ml का 170 रुपये इसकी मार्केट पड़ती है, अदर जो अगर कंपेयर करेंगे तो 100 ml आपको 200-250 रुपये पड़ता है और इसको आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। तो 170 रुपये में 100 ml जात्यादि तेल और आपको कैथेटर विद सिरिंज के साथ आपको अवेलेबल है, ये अमेजोन या अदर जो ऑनलाइन मीडियम होते हैं उससे आप ले सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी जात्यादि तेल का प्रयोग करें इसी डिवाइस से कराएं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, हमारे गुदा मार्ग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, यानी इतना सॉफ्ट होता है कि अगर फिशर का भी कोई पेशेंट है चूँकि उसको बहुत दर्द हो रहा होता है तो ये क्या है, जैसे आप कोई भी जेल या कोई भी क्रीम इसके माउथ पर लगा कर हल्का से इसको मलद्वार में डालें और जो ऑयल होता है उसको जब पुश कर देंगे तो आपके जो फिशर में जलन, दर्द या ब्लीडिंग थोड़ा बहुत हो रही है, इचिंग हो रही है, उसमें काफ़ी राहत देता है। थैंक यू।